देखिए आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं? जब आपको कुछ स्टेटमेंट्स, अभी तक के हमने कौन से स्टेटमेंट्स देखे? एक तो स्टेटमेंट देखे हमने सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि टॉप से लेके बॉटम तक एग्जीक्यूट हो रहे थे, कंडीशनल स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट। अब ये हमारी थर्ड कैटेगरी है लूपिंग स्टेटमेंट। तो जब आपको कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स नंबर ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है, नंबर ऑफ टाइम के लिए रोटेट करना है, तो आप यूज करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं कि 1 से लेकर 10 तक आप नंबर प्रिंट कीजिए, तो अब आप यहां पर अगर सिक्वेंशियल स्टेटमेंट यूज करना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप सिक्वेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 1, मेरा पहला क्या है कि 1 से लेकर 10 तक के आपको नंबर प्रिंट करना है। उसके बाद आप क्या लेंगे सी आउट आई, तो आपका आई जो है प्रिंट हो जाएगा। अब आपको आई क्या करना है, एक स्टेप से इंक्रीमेंट करना है, तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, फिर आप क्या लिखेंगे सी आउट आई। ऐसा करते करते आपको सी आउट आए, जहां तक आप 10 के ऊपर नहीं आ जाते, तो ये हर बार आपका रहना आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो ये ध्यान में रखिए कि जब आपको एक ही स्टेटमेंट या कुछ स्टेटमेंट्स नंबर ऑफ टाइम के लिए बार बार यूज करना है, तो उस सिचुएशन में आप यूज करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। और ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जब हम नंबर ऑफ फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इसके अंदर नंबर ऑफ एग्जांपल्स परफॉर्म करके देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या स्टेप्स होती है, हमको सबसे पहले वो देखते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट्स में हमारे लिए क्या चीज को ध्यान में रखकर लूपिंग स्टेटमेंट हमको लिखना है, तो उसके अंदर सबसे पहला आता है आपका इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन पॉइंट क्या होता है कि कहां से आपको स्टार्ट करना है। सेकंड, एंड पॉइंट, कहां पर जाकर आपको आपका लूप एंड कर देना है, और उसको ही कहेंगे हम यहां पर कंडीशन। थर्ड पॉइंट इसमें आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। देखिए सबसे पहला पॉइंट समझिए इनिशियलाइजेशन। अब जैसे मैंने आपको कहा कि 1 से लेके 10 नंबर तक के प्रिंट करना है, तो सबसे पहला मींस 1 to 10, तो मींस 1 आपका क्या है इनिशियलाइजेशन पॉइंट है। हाँ, कहां तक चलना है आपको, 10 तक के चलना है, मींस लेस देन और इक्वल्स टू 10। जब तक आपके वेरिएबल की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, तब तक के आपको चलना है, मींस हो गया 10 जो हो गया इसके अंदर आपका ये एंड पॉइंट, और ये जो बन गई आपकी लेस देन और इक्वल्स टू, ये बन गई कंडीशन। तो एंड पॉइंट हम कंडीशंस के थ्रू चेक करेंगे, वो कैसे प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा सबसे। उसके बाद देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हाँ, ये स्टेप तक पहुंचने के लिए, एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप से इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, ये कब डिसाइड होगा, जब आपके प्रोग्राम का आपको इनपुट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि 1 से लेके 10 नंबर तक प्रिंट कीजिए, तो देखिए इनिशियल पॉइंट कितना है 1 और फाइनल पॉइंट कितना है मेरा, एंड पॉइंट कितना है 10। तो ये दोनों, अब देखिए 1 से लेके 10 तक पहुंचना है, तो आप खुद सोचकर बताइए आप इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, 1 से लेके 10 तक चलना है, मींस फॉरवर्ड ऑर्डर में चलना है, मींस क्या करेंगे आप इंक्रीमेंट करेंगे। अगर कोई ये कहता है कि 10 to 1
नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कीजिए, तो मींस इनिशियल पॉइंट आपका क्या हो गया 10, कहां तक आना है आपको ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी, और कहां तक आना है 1 तक। तो अब इस सिचुएशन में 10 से लेके 1 तक आप क्या करेंगे, एक एक स्टेप से माइनस माइनस होते हुए चलेंगे। दूसरी बात इसमें आप ध्यान रखिए कि जब भी आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे तो उस सिचुएशन में, एक एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर, अगर आई इज इक्वल टू 1 है, ये मेरे पास एक वेरिएबल मैं कंसीडर कर रहा हूं कि इंट नाम से एक आई वेरिएबल है, इसकी वैल्यू इनिशियल 1 है, तो इसको मैं किस तरह से इंक्रीमेंट कर सकता हूं हमको ये स्टेप देखना है। मैं ऐसे लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये एक स्टेप से इंक्रीमेंट हो गया, या तो और मैं इसको लिख सकता हूं आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस, या तो मैं इसको लिख सकता हूं आई प्लस प्लस आई, ये दोनों में क्या डिफरेंस है फिलहाल आपको इसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये इसको कहा जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट और इसको कहा जाता है प्री इंक्रीमेंट, बाकी वैल्यू आई की एक से इंक्रीमेंट ही होगी। तो बीच इस सिचुएशन में आई की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 2, यहां पर भी आई की वैल्यू 2, यहां पर भी आई की वैल्यू 2, इनमें से कोई एक यूज करे तो ये ध्यान करें, वरना कंफ्यूजन के अंदर क्या तीनों स्टेटमेंट पर देखकर अगर आपको बोले सिक्वेंशियली इसका बताओ क्या होगा, तो यहां पर 3 यहां पर 4, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसमें से ये तीनों स्टेप में से आप कोई भी एक अगर यूज करें तो इस सिचुएशन के बाद आई इज इक्वल टू 1, तो आपके आई की वैल्यू कोई भी तीनों में से एक यूज करो तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ये हो गया आपका इंक्रीमेंट के लिए। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि 1 से लेके 10 तक सिर्फ आपके इवन नंबर्स ही प्रिंट होने चाहिए, तो आई को आप कहां से इनिशियलाइज करेंगे 2 से, 2 से इनिशियलाइज करने के बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, 2 के बाद कौन सा आएगा 4, कंडीशन तो सेम रहेगी आई लेस देन इक्वल टू, कंडीशन सेम आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, तो फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि वो जैसे आई प्लस प्लस आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 था, तो एक स्टेप से इंक्रीमेंट के लिए था, तो अब यहां पर कंफ्यूज मत होना, यहां पर अगर आप आई प्लस 2 लिखेंगे तो ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये ध्यान में रहेगा आई प्लस प्लस सिर्फ एक स्टेप के लिए ही है, आई प्लस 2 कर देंगे आप इसको तो इसको ऐसे नहीं लिखना, बल्कि आपको सिर्फ अगर एक के अलावा एक से इंक्रीमेंट और एक से डिक्रीमेंट, तो आपके पास आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस और प्लस प्लस आई और माइनस माइनस आई, कोई भी आप इसमें से यूज करो, प्री यूज करो पोस्ट यूज करो, लेकिन आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई, आई माइनस माइनस और माइनस माइनस आई, ये सिर्फ अवेलेबल है एक से इंक्रीमेंट करने के लिए और एक से डिक्रीमेंट करने के लिए। इसके बाद अगर आपकी कोई स्टेप एक के बाद या एक से ज्यादा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है तो डायरेक्ट आपको वो इस तरह से लिखना पड़ेगा। इस एग्जांपल में जैसे हमने लिखे 2 से जंप करना है तो फिर I प्लस 2 ही लिखना पड़ेगा, वो भी यहां पर I इज इक्वल टू I प्लस 2, 2 से जंप करो आप इस सिचुएशन में, I प्लस 2 ये आपको अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ अवेलेबल है आपको एक स्टेप से इंक्रीमेंट करने के लिए और एक स्टेप से डिक्रीमेंट करने के लिए। तो फिर से हम एक बार इसके अंदर रिवाइज कर लेते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, कि जब आपको कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हो जो बार बार एग्जीक्यूट कराना हो नंबर ऑफ टाइम के लिए, तो उस सिचुएशन में आप यूज करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट में पहले कौन सा पार्ट आता है, इनिशियलाइजेशन पार्ट, कहां से स्टार्ट करना है,
उसके बाद सेकंड पार्ट आता है, आपको डिसाइड करना होता है कि हमको कहां पर एंड करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंडीशन। नेक्स्ट, इस स्टेप पर, एंड स्टेप पर पहुंचने के लिए आपको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, यह थर्ड पार्ट के अंदर आपको डिसाइड करना होता है। अब आपके पास लूपिंग स्टेटमेंट्स जो अवेलेबल है वो थ्री टाइप के हैं। सबसे पहला है आपके पास, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, हम यहां से यूज करेंगे व्हाइल। सेकंड है डू व्हाइल, और थर्ड वन है फॉर। और ये सब जो है स्मॉल के अंदर, ये ध्यान रखें। तो पहला है व्हाइल, डू व्हाइल, और थर्ड है फॉर। तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि तीनों का सिंटैक्स देखेंगे, एक प्रोग्राम लेंगे जैसे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कर रहा है, तीनों लूप के जरिए हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो देखेंगे।